क्या होगा अगर हम जुपिटर पर माचिस जला दें। दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता है कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और ये एक गैस जायंट है जो 90% हाइड्रोजन 10% हीलियम और जिसमें कुछ हिस्सा मीथेन और अमोनिया का भी है। अब इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से ये किसी हाइड्रोजन बम से तो कम नहीं। तो ऐसे में क्या होगा अगर हम जुपिटर को माचिस से जलाएं, क्या जुपिटर धमाके के साथ फट जाएगा? चलिए जानते हैं। अब इससे पहले आप जुपिटर को माचिस से जलाएं ये चीज जान लो कि आपको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो कि जुपिटर पर नहीं है। तो माचिस को जलाकर जुपिटर को एक्सप्लोर करना तो पॉसिबल ही नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो हम इंसानों के पास सबसे पावरफुल चीज है उसको ले जाकर जुपिटर पर फोड़ दे तब क्या जुपिटर बचेगा? तो मैं आपको बता दूं कि साल 1994 में शूमेकर लेविन 9 नाम के कॉमेट के 21 टुकड़े जुपिटर से टकराए और उन सभी टुकड़ों से निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब की तुलना में बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर भी जुपिटर पर कोई भी आग की लपटें नहीं लगी। तो अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि जुपिटर को हम इंसान तो नहीं उड़ा पाएंगे।